एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मार्च 2022 के करंट अफेयर्स। तो जो जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं, क्योंकि वैसे तो इवेंट्स बहुत होते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मार्च 2022 करंट अफेयर्स। सबसे फर्स्ट आता है हमारा 1 मार्च 2022, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट है टाइप ऑफ द गूगल विद 100 इंडियन स्टार्टअप्स। सो गूगल एंड मेटी स्टार्टअप हब, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अनाउंस टू फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 100 इंडियन स्टार्टअप्स टू बिल्ड हाई क्वालिटी एप्स। इट इज अ 6 मंथ्स प्रोग्राम विद द मेन इंटेंशन टू बूस्ट स्टार्टअप इन इंडिया। सो बेसिकली गूगल यहाँ पे हेल्प करेगा 100 स्टार्टअप्स को, सो दैट वो लोग अपने एप्स को और अच्छे से डेवलप कर सकेंगे। तो 6 मंथ्स का ये प्रोग्राम है जहाँ पे गूगल 100 स्टार्टअप्स को असिस्ट करेगा, ठीक है। देन आता है IRCTC एंड PTM टाइप। सो IRCTC एंड PTM जॉइन हैंड्स टू ऑफर डिजिटल टिकटिंग सर्विसेज टू द कंज्यूमर थ्रू ATVM इंस्टॉल्ड एट द रेलवे स्टेशंस। जैसे आप स्टेशन पे जाते हो तो आपको वो ऑटोमेटिक टिकट मशीन्स दिखते हैं जहाँ पे आपको टिकट परचेस कर सकते हो, बराबर। तो वहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ता है, बराबर। तो वहाँ पे कार्ड के थ्रू भी पेमेंट होता है, लेकिन अब वहाँ पे आप PTM के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। देन 2 मार्च 2022 ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अपग्रेड, जो अपग्रेड है ऑनलाइन कोचिंग कोर्स प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट कोर्सेस, ठीक है। तो उन्होंने अपॉइंट किया है अमिताभ बच्चन को एज अ ब्रांड एम्बेसडर, ओके। नेक्स्ट आता है न्यू CEO ऑफ जेट एयरवेज। जेट एयरवेज ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी ह्यूज लॉस मेकिंग कंपनी बन गई थी एक टाइम पे, बट अब वो वापस रिवाइव हो रही है धीरे धीरे करके। सो जेट एयरवेज अपॉइंटेड संजीव कपूर एज अ न्यू CEO ऑफ द कंपनी एंड ही विल जॉइन कंपनी फ्रॉम द 4 अप्रैल 2022। नेक्स्ट आता है 3 मार्च 2022। सो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, सो ये ऑब्जर्व किया जाता है 3 मार्च को, एंड मेन इंटेंशन जो है वो है ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ। देखो, एक आज अर्थ पे हर एक एलिमेंट, चाहे वो नेचर ले लो, एनिमल्स ले लो, वाटर ले लो, मतलब रिवर्स या लेक्स ले लो, या ह्यूमन बींग ले लो, या प्लांट्स ले लो, हर एक का एक बहुत बड़ा रोल है। इसमें से एक भी फैक्टर को अगर मैं मिस आउट करूंगा तो वो पूरी साइकिल को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका भी एक इम्पोर्टेंस है, इसके लिए पर्टिकुलर डे को मतलब बोलते ना 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व किया जाता है। देन वही सेम डे पे आता है वर्ल्ड हियरिंग डे। सो ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन द प्रिवेंशन ऑफ द डेफनेस एंड हियरिंग लॉस एंड प्रमोट ईयर एंड हियरिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, बिकॉज ये भी एक वन ऑफ द मेजर डिजीज, इसको आप शायद बोलो या ना बोलो पता नहीं, बट ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है जहाँ पे लोग सुन नहीं सकते, बराबर। कुछ लोगों को ऐसे एनवायरमेंट में रहने की वजह से उनकी हियरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है, तो इट इज वन ऑफ द सीरियस इश्यू, ठीक है। इसके लिए, इसको ऑब्जर्व करने के लिए 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है। देन कैंसलेशन ऑफ द बैंक लाइसेंस। सो RBI कैंसल्स लाइसेंस ऑफ महाराष्ट्र सर्जेराव दादा नाइक शिरला सहकारी बैंक, और ये लाइसेंस कैंसिल करने का मेन रीजन है क्योंकि उन्होंने काफी सारे जो बैंकिंग रेगुलेशंस थे, बैंकिंग नॉर्म्स थे, उसका वायलेशन किया था, जिसकी वजह से RBI ने उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। नेक्स्ट जाते हैं 4 मार्च 2022 नेशनल सिक्योरिटी डे। नेशनल सिक्योरिटी डे ऑब्जर्व किया जाता है 4 मार्च को। सो मेन इंटेंशन है टू ट्रिब्यूट एंड शो ग्रेटिट्यूड टू द नेशनल सिक्योरिटी फोर्स ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली मिलिट्री सोल्जर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कंट्री की सेफ्टी के लिए, तो उनका जो सैक्रिफाइस है उसको याद रखने के लिए नेशनल सिक्योरिटी डे 4 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, रिकॉर्ड बाय स्विस एयरलाइंस। सो स्विस एयरलाइंस टू बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरलाइन टू यूज सोलार फ्यूल। स्विस एयरलाइंस इज अ पार्ट ऑफ द लुफ्थांसा एयरलाइंस। सो अब ये लोग धीरे धीरे इस चीज को डेवलप कर रहे हैं कि सोलार फ्यूल पे ये लोग एयरक्राफ्ट का बोलते ना, मतलब जैसे पेट्रोल के ऊपर चलता है, बराबर, बट अभी धीरे धीरे प्लान है इनका, और आगे चल के डाउन द लाइन 5 ईयर्स शायद इनके मैक्सिमम इवेंट्स यही होंगे कि ये लोग सोलार फ्यूल पे अपने एयरक्राफ्ट्स को फ्लाई करेंगे।
देन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारती एक्सा. सो भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस अपॉइंटेड विद्या बालन एज अ ब्रांड एम्बेसडर. देन 5th मार्च, 5th मार्च को सबसे फर्स्ट इवेंट आता है हमारा इंश्योरेंस फॉर डॉग. ये कुछ नई चीज है. सो फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस लॉन्चेस FG डॉग हेल्थ कवर इंश्योरेंस. पहली बार ऐसी शायद कोई कंपनी है जिन्होंने डॉग के ऊपर हेल्थ इंश्योरेंस निकाला है. सो इन्होंने जो कैंपेन चालू किया है जहाँ पे ये लोग डॉग इंश्योरेंस निकालेंगे, उस कैंपेन का नाम रखा है ओ माई डॉग. ठीक है, ये पर्टिकुलर कैंपेन का नाम है इनका. देन 6th मार्च, 6th मार्च को आता है सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट, दैट इज कवच बाय रेलवे. सो इंडियन रेलवे सक्सेसफुली टेस्टेड कवच. कवच इज एंटी कोलिशन सिस्टम. ये एक सिस्टम है जहाँ पे सेम ट्रैक पे अगर दो ट्रेन सामने सामने आ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देगा एक दूसरे को, और ये एक सिस्टम है जिससे एक्सीडेंट अवॉइड किया जा सकता है. तो इसका सक्सेसफुली टेस्ट हो चुका है. जो टेस्ट है वो रेल मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने ये किया था और ये सक्सेसफुली बोलते ना टेस्ट भी हुआ है, तो अब ये इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा कुछ टाइम के अंदर. नेक्स्ट आता है 7th मार्च 2022. सो इंडियाज लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर. सो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ओपन्स इंडियाज लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर एट मुंबई. पीपल कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस 5G फैसिलिटी एट दिस प्लेस. अलग अलग एक्टिविटीज भी वहाँ पे आपको मिलेगी, वैसे ही वहाँ पे 5G की फैसिलिटी को भी टेस्ट कर सकते हो कि क्या स्पीड पे आपको इंटरनेट इन फ्यूचर अब मिलने वाला है. देन पाकिस्तान इन ग्रे लिस्ट. सो अगेन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर पाकिस्तान. सो जो पाकिस्तान है उसको वापस ग्रे लिस्ट में ही रखा है बाय FATF. FATF stands for Financial Action Task Force. ये Financial Action Task Force जो मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है. ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. तो इन्होंने पाकिस्तान को काफ़ी टाइम वार्निंग दिया था, काफ़ी सारे सजेशंस प्रोवाइड किए गए थे जो उनको इम्प्लीमेंट करने थे, बट पाकिस्तान फेल हो गया वापस उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए, जिनकी वजह से उनको फिर से ग्रे लिस्ट में ही ऐड करके रखा है. देन आता है 8th मार्च 2022 इंटरनेशनल वुमेन्स डे. 8th मार्च को ये ऑब्जर्व किया जाता है. ऑब्जर्व टू रिकग्नाइज वुमेन्स अचीवमेंट इन एवरी फील्ड. पहले ऐसा माना जाता था कि कुछ फील्ड में खाली मेल डोमिनेट ही करते हैं, फीमेल वहाँ पे कुछ बोलते हैं ना रिजल्ट्स नहीं ला सकते या कुछ अचीव नहीं कर सकते. बट आज आप देखते हो ऑलमोस्ट हर फील्ड के अंदर फीमेल भी बहुत आगे गई है, और कुछ कुछ फील्ड में तो मेल से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है. तो एक सेलिब्रेशन करने के लिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे को ऑब्जर्व किया जाता है 8th मार्च को. नेक्स्ट आता है SBI डिजिटल बैंकिंग न्यू हेड. सो SBI हैज अपॉइंटेड नितिन चुग एज इट्स ग्रुप हेड फॉर डिजिटल बैंकिंग एट डिपार्टमेंट MD लेवल. और इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है फॉर इनिशियली 3 ईयर्स के लिए हुआ है. नेक्स्ट आता है इवेंट 9th मार्च. सो ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ल्यूपिन. ल्यूपिन लिमिटेड ये एक इंडिया की वन ऑफ द वेल नोन फार्मा कंपनी है. ठीक है, जिन्होंने अपॉइंट किया है मैरीकॉम एज अ ब्रांड एम्बेसडर. शी विल प्रमोट शक्ति कैंपेन ऑफ द कंपनी. बराबर, तो ये एक मेडिसिन है जिसको इन्होंने लॉन्च किया है, तो उसके प्रमोशन के लिए उन्होंने मैरीकॉम को अपॉइंट किया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर. नेक्स्ट पॉलिसी फॉर कैमल. सो राजस्थान गवर्नमेंट कम्स अप विद अ न्यू कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी इन द बजट 2023. राजस्थान गवर्नमेंट ने अपना जो बजट निकाला था स्टेट बजट, जिसके अंदर उन्होंने कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी भी निकाली थी फॉर द फर्स्ट टाइम. गवर्नमेंट डिक्लेयर दिस टू प्रोटेक्ट कैमल. जैसे गवर्नमेंट को लगता है कि धीरे धीरे ये भी इनके जो पॉपुलेशंस है ये भी धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहा है, ये भी एक बोलते ना एक्सटिंक्ट एनिमल बन सकता है अगर इनको आज प्रोटेक्ट नहीं किया तो इनके प्रोटेक्शन के लिए कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी राजस्थान गवर्नमेंट ने निकाली है. देन 10th मार्च 2022 वर्ल्ड किडनी डे ऑब्जर्व किया जाता है 10th मार्च को. सो मेन इंटेंशन इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सेवरल किडनी डिजीजेस एंड टू एजुकेट अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ किडनीज इन अवर ओवरऑल हेल्थ.
ठीक है, किडनी का इम्पोर्टेंस देखो, हर एक बॉडी पार्ट का इम्पोर्टेंस है। आप बोलोगे खाली किडनी का इम्पोर्टेंस है, तो भाई ऐसा नहीं है, हर एक बॉडी पार्ट का कितना इम्पोर्टेंस है ये तो आपको खुद को पता है। बट काफ़ी लोग आज भी ऐसे हैं जिसको किडनी के डिजीज इतने ज़्यादा सीरियस डिजीज नहीं लगते हैं, तो उनको ये सब चीज़ अवेयर कराने के लिए वर्ल्ड किडनी डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, एनुअल इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस, सो ऑब्जर्व किया जाता है ये 10 मार्च को। मेन इंटेंशन इज टू प्रमोट द फुल एंड इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन एट ऑल लेवल्स ऑफ द जुडिशरी। ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया है और ये फर्स्ट टाइम डिक्लेयर किया है यूनाइटेड नेशन ने, जहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने बोला था 2022 के अंदर कि आज से 10 मार्च हम लोग ऑब्जर्व करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस। तो ये 2022 में फर्स्ट टाइम डिक्लेयर हुआ है। नेक्स्ट, स्टैच्यूट एट बोध गया टेम्पल, जो फेमस टेम्पल है इंडिया का, इंडियाज लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड लॉर्ड बुद्धा इज गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड इन बोध गया टेम्पल बिहार। बोध गया टेम्पल इज वेरी वेल नोन टेम्पल इन बिहार, जहाँ पे अभी एक स्टैच्यू बनने जा रहा है लॉर्ड बुद्धा का, ठीक है, जो रिक्लाइनिंग पोजिशन में रहेगा और वो 100 फीट लॉन्ग रहेगा और 30 फीट उसकी हाइट रहेगी, और इसका अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट इज मिसाइल बाय ईरान, सो ईरान लॉन्च नूर 2 मिलिट्री मिसाइल, जो फर्स्ट मिसाइल था इन्होंने अप्रैल 2020 में लॉन्च किया था। प्रॉपर कोविड के टाइम पे उन्होंने फर्स्ट अपनी मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट किया था। कोविड होने की वजह से भी इनको ऐसा लगता था कि डिले कर लेंगे ईरान, बट ईरान ने डिले नहीं किया और वो सक्सेसफुली उन्होंने लॉन्च भी किया था। अब वो नूर 2 भी उन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया है। नेक्स्ट, बायोग्राफी बाय उषा उथुप, सो बायोग्राफी ऑफ उषा उथुप रिलीज्ड, नेम ऑफ द बुक इज द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। बराबर, वेरी वेल नोन पर्सनालिटी है ये, तो इनकी जो बुक है वो अब लॉन्च हो चुकी है, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। बराबर, और जो ये बुक लॉन्च किया है वो पब्लिशर है पेंगुइन प्रेस। नेक्स्ट आता है 11th मार्च 2022, रिकॉर्ड बाय प्रियंका नोटक्की, प्रियंका नोटक्की बिकम्स 23rd वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया एंड शी स्कोर्ड 7 आउट ऑफ 9 एंड शी बिलोंग्स टू आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, वी डैम इंस्टीट्यूट रिलीज द लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट 2022, जहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से डेमोक्रेसी मिलती है कंट्री के अंदर, जो डेमोक्रेसी बोलने के लिए नहीं होती, सच में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। बराबर, तो उसका वो लोग ने इंडेक्स निकाला था जिसके अंदर इंडिया का रैंक था 93 आउट ऑफ 179 कंट्रीज। नेक्स्ट, 12th मार्च 2022, वर्ल्ड ग्लोकोमा डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 12th मार्च को, तो ये भी एक डिजीज ही है, तो इसके अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तो ये इन्फॉर्मेशन जाए कि ग्लूकोमा इज ऑल्सो वेरी एक डेंजरस डिजीज है। काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि उनको ग्लूकोमा जैसे कोई इश्यूज है, उनको बहुत लेट पता चलता है। देन रैंक बाय स्कॉच ग्रुप, सो स्कॉच ग्रुप डिक्लेयर स्कॉच गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड फॉर द 2021। रैंकिंग इज बेस्ड ऑन द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट, कितना अच्छा गवर्नेंस सिस्टम स्टेट को मेंटेन कर रहा है, उसका रैंकिंग किया गया था बाय द स्कॉच ग्रुप ने। बराबर, इस रैंक में सबसे फर्स्ट रैंक था आंध्र प्रदेश, सेकेंड रैंक था वेस्ट बंगाल, थर्ड रैंक था उड़ीसा एंड फोर्थ रैंक था गुजरात। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अवार्ड बाय ACI, सो ACI दैट इज एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल, सो ACI हैज अवार्डेड 6 इंडियन एयरपोर्ट्स एज द बेस्ट एयरपोर्ट बाय साइज इन द डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, तो साइज के हिसाब से 6 इंडियन एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट जाते हैं 13th मार्च, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है फॉर्च्यून द नेक्स्ट 500, सो रेलटेल हैज रैंक 124th इन द 8th एडिशन फॉर्च्यून इंडिया द नेक्स्ट 500 2022 एडिशंस। मतलब कौन सी कंपनी नेक्स्ट 500 सबसे बेस्ट कंपनी बन सकती है, उसका ये लोग एक टेंटेटिव लिस्ट निकालते हैं जिसमें 124th रैंक पे है रेलटेल, जो एक गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, जो इंडियन रेलवे के कंट्रोल में है। नेक्स्ट,
चेयरपर्सन ऑफ चार धाम प्रोजेक्ट। सो चार धाम प्रोजेक्ट ऑब्वियसली 2019 से ये चल रहा था, उसके ऊपर कमेटी बिठाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट में मैटर भी गया था। सो फाइनली यहाँ पे एक वापस एक नई लेटेस्ट न्यूज आई है जिसमें एक्स जज ए के सिकरी बिकेम चेयरपर्सन ऑफ द हाई पावर्ड कमिटी ऑन चार धाम प्रोजेक्ट। ठीक है, ही सक्सेडेड प्रोफेसर रवि चोपड़ा। तो पहले रवि चोपड़ा को यहाँ पे अपॉइंट किया गया था चेयरपर्सन जस्ट टू ऑब्जर्व चार धाम प्रोजेक्ट, बट अब उनकी जगह पे एक्स जज को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट आता है 14 मार्च, सो इंटरनेशनल डे ऑफ मैथ्स। सो इंटरनेशनल डे ऑफ मैथ्स 14 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। मेन इंटेंशन इज टू सेलिब्रेट मैथ्स एंड कनेक्ट मैथ्स विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। हमको शायद मुझे या तुम लोगों जैसे तुम में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिसको मैथ्स नहीं पसंद, स्पेशली मैं तो वैसा ही हूँ, बट मैथ्स का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। मैथ्स एक बहुत फन वाला सब्जेक्ट माना जाता है, बट हमारे बस की ये बात नहीं, बट इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ मैथ्स मनाया जाता है। तो आता है 15 मार्च, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। ठीक है, जागो ग्राहक जागो, ये ऐड तुमने देखा होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। सो 15 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। बराबर, सबसे बड़ा इंटेंशन यहाँ पे एक ही है कि कंज्यूमर्स को अवेयरनेस होनी चाहिए अपने राइट्स को लेके, कि जहाँ पे भी उसको खराब गुड्स मिलते हैं या प्रॉपर सर्विस नहीं मिलती है, उसके क्या राइट्स है, उसको कैसे एक्शन लेना चाहिए, वो सब उसको पता होना चाहिए, सो दैट उसके साथ कोई चीट ना हो या उसके साथ कोई रॉन्गफुल एक्ट ना हो। देन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गेम्स 24/7, सो गेम्स 24/7 अपॉइंटेड शुभमन गिल एंड ऋतुराज गायकवाड़ एज अ ब्रांड एम्बेसडर। देन कार्बन एमिशन फ्री मुंबई। सो मुंबई ने एक डिटेल एनालिसिस करके एक फ्रेमवर्क डिसाइड बनाया है जिसके अंदर मुंबई ने ये डिक्लेयर किया है, मतलब महाराष्ट्र ने बेसिकली ये डिक्लेयर किया है कि मुंबई क्या बन जाएगा, जीरो, मतलब बोलते ना कि टू जीरो आउट कार्बन एमिशन, कार्बन फ्री बन जाएगा बाय 2050। सो मुंबई बिकेम द फर्स्ट सिटी इन साउथ एशिया टू सेट अप सच अ टारगेट। साउथ एशिया में ऐसे कोई सिटीज ने अब तक ऐसे टारगेट सेट नहीं किए हैं, बट मुंबई इज द फर्स्ट सिटी। देन 16 मार्च नेशनल वैक्सीनेशन डे, जो 16 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। मेन इंटेंशन इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन, डिजीज होने के बाद ट्रीटमेंट और डिजीज होने से पहले प्रिकॉशन के नाम पे वैक्सीनेशन लेना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस आपको दिखा देगा, क्योंकि डिजीज होने के बाद आप उसकी ट्रीटमेंट करोगे तो आपके बहुत ज़्यादा मॉनिटरी एक्सपेंसिस तो होते ही है, बट हेल्थ भी बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो जाती है, बट कुछ डिजीज को आप वैक्सीनेशन करके बचा सकते हो, मतलब वो डिजीज से आप बच सकते हो। देन डिजिटल वाटर डेटा बैंक, सो कर्नाटका लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट एवर डिजिटल वाटर डेटा बैंक। नेम ऑफ द बैंक इज एक्वेरियम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हेल्प्स टू मैनेज वाटर अवेलेबिलिटी एंड यूजेज, कहाँ कौन से एरिया में कितने वाटर सप्लाई होती है, कहाँ पे कितना यूजेज है, कहाँ पे कितना सरप्लस बच सकता है, वो सब चीजों के ऊपर अब से ध्यान रखा जाएगा। देन रिकॉर्ड बाई इंडिया, सो एज पर ब्लूमबर्ग्स रिपोर्ट इंडिया रैंक्स 5th इन द टर्म्स ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो इंडिया एंटर्स वर्ल्ड्स टॉप 5 क्लब फॉर द फर्स्ट टाइम। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब शेयर मार्केट की जितनी भी कंपनी है उसमें जितने भी शेयर्स है, इनटू पर शेयर उनका जो भी प्राइस होगा वो आप कैलकुलेट करोगे तो आपको जो अमाउंट मिलेगा दैट इज नोन एज अ मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो इंडिया अब टॉप 5 में आ चुका है हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन में। नेक्स्ट, न्यू चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया। जैसे कि आपको पता है कि एयर इंडिया गवर्नमेंट के पास था, बट नाउ इट इज हैंडेड ओवर टू द टाटा ग्रुप। सो एन चंद्रशेखरन हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया एंड ही इज अ चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। वो ऑलरेडी टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के भी चेयरमैन हैं, अब उनको न्यू बोलते ना एक एयर इंडिया का जो अब नया रीबर्थ हुआ है, तो उनमें चेयरमैनशिप उनको हैंडओवर की गई है। नेक्स्ट, न्यू मेंबर ऑफ सेबी, सो अश्विनी भाटिया अपॉइंटेड एज अ सेबी होल्ड टाइम मेंबर ऑफ सेबी, मतलब इनको सेबी में
फुल टाइम मेंबर की पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है, और जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो इनिशियली 3 इयर्स के लिए हुआ है। अश्विनी भाटिया इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI, अपॉइंटमेंट अप्रूव्ड बाय द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट। नेक्स्ट 17 मार्च 2022 ई ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड। सो अमेरिकन एक्टर विल स्मिथ वॉन द बाफ्टा, दैट इज ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स। सेरेमनी ये जो हुआ था ये लंदन में कंडक्ट किया गया था, और सेरेमनी वॉज होस्टेड बाय द रेबल विल्सन जो ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस है। नेक्स्ट न्यू CM ऑफ पंजाब। सो भगवंत सिंह मान अपॉइंटेड एज अ CM ऑफ पंजाब। तो एक नए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं पंजाब के अंदर, जो भगवंत सिंह मान है वो एक्चुअली आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट 18 मार्च ग्लोबल रिसाइकलिंग डे जो ऑब्जर्व किया जाता है 18 मार्च को। सो मेन इंटेंशन इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसाइकलिंग इन द सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ अवर प्लानट। आज हम लोग ज़्यादा चीज़ें ये देखते हैं कि रिसाइकल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है सो दैट हम वेस्टेजेस कम कर सके। बस इसी चीज़ को ज़्यादा अच्छे से स्प्रेड करने के लिए, लोगों को नॉलेज देने के लिए ग्लोबल रिसाइकलिंग डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट न्यू चेयरपर्सन ऑफ CII, दैट इज कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। सो CII अपॉइंटेड सुचित्रा एला एज अ न्यू चेयरपर्सन। शी इज अ को फाउंडर एंड जॉइंट MD ऑफ भारत बायोटेक। नेक्स्ट आता है 19 मार्च। सो इंडियाज लार्जेस्ट कोल कंपनी, सो महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड हैज बिकम इंडियाज लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी। इंडिया की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी बन गई है। महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट डील बाय कोटक बैंक। सो कोटक बैंक बिकम्स इंडियाज फर्स्ट बैंक टू साइन MOU, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द बिजनेस फ्रांस, जहाँ पे मेन इंटेंशन है कि जो स्टार्टअप्स है और जो बिजनेस है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस ईजी तरीके से प्रोवाइड किया जा सके सो दैट इकोनॉमी बहुत अच्छे से, बोलते ना, डेवलप हो सके कंट्री की।